ओह शिट, रास्ते में हो गया बहुत ही बड़ा। तो अभी फिलहाल हमें एक टूरिस्ट भी मिला। ज्यादा सर्दी लगी, अब मुख्तार भाई निकाल रहे हैं जैकेट। ये हो गया हमारा मुर्गा। वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। तो अभी फिलहाल हम घर से निकलेंगे, डिसाइड क्या करना है वो हम रास्ते में डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। अभी फिलहाल हमें जाना है, पेट्रोल वगैरह भरना है, सर्विस हो गई, तो अभी फिलहाल हम निकलेंगे। जैसा कि आपको पता है गाइस, संडे को एडवेंचर पे जाने का अलग ही मज़ा होता है। संडे एडवेंचर से भरा हुआ होता है। जो कभी भी नहीं जाते हैं एडवेंचर पे, वो संडे ही को सिलेक्ट करते हैं। संडे एक ऐसा दिन होता है जिस दिन में सब जितने भी लोग होते हैं फ्री होते हैं, घर पे बैठे होते हैं, और संडे को काफ़ी ज़्यादा रश भी होता है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। जो जो मतलब फेमस प्लेसेस होती हैं उनको अगर एक्सप्लोर करेगा इंसान तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा होता है। तो फिलहाल बिना देर किए मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। क्या क्या होगा हमारे साथ, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होगा, एन्जॉयमेंट वाला वीडियो। जो पैकिंग वगैरह करनी थी वो मैंने स्कूटी पे लगा दिया है सब कुछ। तो अब फिलहाल हम यहाँ से निकलेंगे। अभी फिलहाल दोपहर के हो रहे हैं। तो आप रिजर्वे देख सकते हो, काफ़ी फेमस जगह है ये तहसील मोनियार की। अभी जो है फिलहाल हमने डिसाइड किया है यहाँ पे हम शेरी में इस टाइम, तो पेट्रोल भी हमने डाल लिया, टैंकी हमारी होगी फुल। तो अभी फ़िलहाल हमने डिसाइड किया हम बारामला से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे शेरी से ऊपर। तो यहाँ से सबसे पहले हम बाबा ऋषि पहुँचेंगे। अभी पहुंच गए, जैसा अभी ये सीनरी मेरे सामने देख रहे हो, मुझे लगता है कि गुलमर्ग हम पहुंच गए, लेकिन ये गुलमर्ग नहीं है। अभी आप देख रहे हो चल चल के बुरा हाल हो गया। अभी हमने कुछ खाया भी नहीं, याद नहीं रहा हमें कुछ लाना था खाने के लिए। अभी जो लाया है वो बैग में, वो वहीं पे खाना है। तो ये आप मेरे सामने देख सकते, आप कोई गैस कर सकता है कि यहाँ से बाबा ऋषि का रोड कहाँ से है? लेकिन इसी जंगल में से, उस नाले में से भी नहीं है और इस साइड में से। ये जो जंगल है इसी को काट के अंदर से लिया है और सीधा बाबा ऋषि को टच किया है। ये आप मेरे पीछे ये जो नज़ारे देख रहे हो बाबा ऋषि। अभी फिलहाल हम बाबा ऋषि पहुंच चुके हैं, माशाल्लाह। ये स्टार्टिंग में जो बाबा ऋषि का जो देख रहे हो, बाबा ऋषि का ये स्टार्टिंग में जो ये मार्केट है, यहाँ से कुछ लेने ले भी लेते हैं यहाँ से खाने पीने के लिए। तो हम यहाँ से आए शेरी से, इसलिए हमें नज़दीक हो घर से यहाँ तक 1 घंटा 10 मिनट बस इतना ही लगा हमें। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सर्दी भी है। थोड़ा हमने सोचा चाय वगैरह पी लें। तो हम यहाँ से निकलने लगे, सॉरी कैमरा थोड़ा हिल रहा है। तो ये पीछे आप मेरे देख सकते हो, ये ज़ियारत शरीफ है बाबा ऋषि की। तो हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा हमें सामान लेना था जो पेंडिंग था। अभी फ़िलहाल हम सीधा ऊपर जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा लेट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हम ऊपर जाके थोड़ी कैंपिंग भी करनी है और टेंट वगैरह लगाना है, तो टाइम हमारे पास बहुत कम है। अभी फ़िलहाल मैं आपको ऊपर। ज़्यादा सर्दी लगी, आप मुख्तार भाई निकाल रहे हैं जैकेट वगैरह, मेरा भी निकालो जल्दी करो यार। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर रुके, तो अभी फ़िलहाल हमें एक टूरिस्ट भी मिले, इनका नाम है अमृतपाल, ये पंजाब से हैं। हाँ, आप पंजाब से कहाँ रहते हैं? तो ये भी आप आए, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा तो ये है कि जब हमें कोई अच्छे लोग मिल जाते हैं ना यहाँ जी, जो हमें घूमने के लिए को थोड़ा सजेस्ट करते हैं जी जी, तो कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो कितना टाइम हुआ क्या आपको यहाँ? कल आए थे हम, कल थी हम, कल श्रीनगर में रुके थे। रुके आप गुलमार्ग में और उसके बाद हम फिर श्रीनगर में स्टे करेंगे। बाकी आपको
एज कम्पेयर टू अलग प्लेसेस से यहाँ पे अच्छा खासा मज़ा है। हाँ, बहुत फ़र्क है अदर प्लेसेस से, हिमाचल से, दूसरे से बहुत ज़्यादा फर्क है। ये ट्रैवलिंग व्लॉग है, मतलब नाइट कैंपिंग का। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं तो बस थोड़ा सा रहा है, काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा है मुझे इस वादियों में से चढ़ते चढ़ते। तो फाइनली गाइस अभी फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूँ गुलमर्ग, और ये आई लव गुलमर्ग, सच में आ रहा हूँ। ये सब रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे जो लोग नाइट में रहते हैं। हम कैंपिंग के लिए जगह ढूंढ रहे थे काफ़ी टाइम से लेकिन मिली नहीं। मुझे लगता है लेफ्ट साइड में ये जो जगह है काफ़ी अच्छी है, सुबह का व्यू यहाँ से काफ़ी मस्त आएगा, ऑसम आएगा। हम यहीं पर टेंट लगाएं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So finally, guys, हमारा टेंट हो चुका है रेडी, और ये हमारे साथ सरदार भाई दो। ये भाई बोल रहे हैं मुझे मत दिखाओ, ये बारामला से। बन गया जो मुर्गा इसमें होगा फ्राया। योगेश कौन मार किस कौन तो अभी फिलहाल मुर्गा हो गया है फाइनली तैयार अच्छे से। ये है ना प्लेट, इस पे चीजें रखना देना। तो फाइनली गाइज अभी खाना वगैरह सब कुछ हो चुका है, सब कुछ डेंड हो चुका है। अब फिलहाल हम आए अपने टेंट में, तो अब हमने सोने की तैयारी करनी है, तो अभी फ़िलहाल सोएंगे। काफ़ी ज़्यादा दिन में ट्रैवलिंग कर करके थक गए, तो आगे का व्लॉग इंशाल्लाह कंटिन्यू आएगा। तो टेंशन नहीं लेना, वीडियो को प्यार देना, जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना।